Hi everybody! Welcome to my channel English with Javak, I'm J K J. In today's video, I'm gonna tell you the difference between among and between. I am sure that you will enjoy this video. If you like this video, so please subscribe to my channel and give a thumb up so that I can carry you on this process. To dosto, among or between ke darbiyan, difference batane se pehle, main do baatein batana zaruri पहली बात यह है कि ये, ये दोनों यानी अमंग और बिटवीन प्रपोजिशन हैं जिनको उर्दू में हरूफ जारा कहा जाता है इन दोनों की उर्दू की ट्रांसलेशन लफ्स दरमियान से की जाती है दूसरी बात ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बिटवीन का यूज़ उस वक्त होता है जब दो चीज़ों या दो लोगों की बात हो रही हो और अमंग का यूज़ उस वक्त होता है कि जब दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों की बात हो रही हो तो बात ऐसी नहीं है ये एक गलत फहमी है तो इसी गलत फहमी के इजाले के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है तो दोस्तों सबसे पहले बिटवीन को देखते हैं तो सुनिए कि बिटवीन के दो इस्तेमाल है पहला इस्तेमाल बिटवीन का उस सूरत में है जब हम दो चीज़ों या दो बंदों की बात करें और दूसरा इस्तेमाल बिटवीन का उस सूरत में है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों या दो से ज़्यादा लोगों की बात करें तो पहले इस्तेमाल में जब हम इसका यूज़ दो चीज़ों या दो बंदों के लिए करें तो या तो वो दो चीज़ें या दो बंदे स्पेसिफ़िक होंगे यानी मखसूस होंगे या स्पेसिफिक नहीं होंगे तो चाहे वो मखसूस हों या मखसूस ना हो दोनों सूरतों में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे स्पेसिफ़िक की मिसाल द मीटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मीटिंग दो मखसूस मुल्कों के वजी अज़मों के दरमियान हो रही है लोग भी यहाँ पर मखसूस है कि वज़र अज़म हैं और मुल्क भी यहाँ पर मखसूस है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है नॉन स्पेसिफ़िक की मिसाल है द मैच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन टू बॉयज़ के मैच दो लड़कों के दरमियान खेला जा रहा है तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो दो बॉयज है वो दोनों स्पेसिफिक नहीं हैं तो बिटवीन का जो दूसरा यूजेज है वो उस सूरत में है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों या बंदों की बात करें तो उस सूरत में हम देखेंगे कि चीज़ें मखसूस हैं या नहीं लोग स्पेसिफिक हैं या नहीं अगर चीज़ें या लोग स्पेसिफ़िक यानी मखसूस हों तो उस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे अगर ना हो मखसूस तो उस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे जैसे मिसाल है आई एम ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द ग्रीन शर्ट द बलू शर्ट एंड द्लैक शर्ट तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो शर्ट्स हैं वो मखसूस हैं स्पेसिफ़िक हैं एक का कलर ग्रीन है दूसरे का ब्लू है और तीसरे का ब्लैक है तो चूंकि यहाँ पर इनके कलर्स मखसूस हैं इसलिए यहाँ पर चीज़ें तीन होने के बावजूद भी हम बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं लेकिन दूसरी सूरत में अगर चीज़ें मखसूस न हो और दो से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हम अमंग का यूज़ करेंगे तो इसकी एग्जांपल है देर इज़ अ टफ कॉन्टेस्ट अमंग द टीम्स फ्लाइंग दिस वर्ल्ड कप कि इस वर्ल्ड कप में जो टीमें खेल रही हैं उनके दरमियान मुकाबला सख्त है तो यहाँ पर चूँकि टीमें मखसूस नहीं हैं तो इसलिए अमंग का यूज़ हुआ बिटवीन का नहीं हुआ इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है द नीगोशन्मंग दंट्रीज़ ऑफ यूरोप और गोइंग ऑन तो यहाँ पर भी चूँकि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम नहीं लिया गया तो इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज़ हुआ अगर यहाँ यूरोप की कंट्रीज़ का नाम लिया जाता तो उस सूरत में हम बिटवीन का यूज़ कर लेते न के अमंग का